हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हो कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, दोस्तों भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, पहले भारत में 28 राज्य हुआ करते थे 2014 में, लेकिन दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बन चुका था। इस प्रकार भारत में 29 राज्य हो चुके थे और भारत में 8 की जगह पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगस्त 2019 के पहले भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और अगस्त 2019 से पहले भारत में 29 राज्य थे। लेकिन दोस्तों अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370 हटा, तो दोस्तों अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटा, जिसके बाद भारत में 28 राज्य होगा, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि 2 यूनियन टेरिटरीज में टूट गया। लद्दाख अलग हो गया और जम्मू कश्मीर अलग हो गया। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़कर 7 से 9 हो गई। भारत में पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया, जिससे भारत में 29 की जगह 28 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश थे। तो दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया और ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई। लेकिन दोस्तों नवंबर 2019 में दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप को दोनों को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो दोस्तों भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर 8 हो चुकी। तो दोस्तों अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं तो स्क्रीन पर आपको लिस्ट दिख जाएगी कि कौन कौन से राज्य हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि अभी वर्तमान में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, सेकंड है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो दोस्तों दादर नागर हवेली एंड दमन दीव अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, पहले ये अलग अलग हुआ करते थे। थर्ड है जम्मू एंड कश्मीर, फोर्थ है लक्षद्वीप, फिफ्थ है चंडीगढ़, सिक्स है दिल्ली, सेवन है लद्दाख एंड एट्थ है पुडुचेरी। तो दोस्तों इस प्रकार भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो को दोस्तों आप अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो डेफिनेटली इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।